तो आज का चैप्टर क्या है क्लोथ्स जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है क्लोथ्स की वाई क्लोथ आर एसेंशियल फॉर अस सेकेंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे सेकेंड टॉपिक वो है क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स डिफरेंट सीजन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे हम एंड द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज केयर ऑफ क्लोथ्स कि हम क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हैं सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वाई डू वी नीड क्लोथ्स हमें क्लोथ्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी हमें क्लोथ्स की जरूरत पड़ती है अपने बॉडी को कवर करने के लिए ढकने के लिए दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट रेन कोल्ड विंड इंसेक्ट बाइट्स डर्ट एंड डस्ट क्लोथ्स हमारी सुरक्षा किन किन से करते हैं हीट से बचाते हैं हमें क्लोथ्स रेन से बचाते हैं हीट मीन्स गर्मी रेन मीन्स बारिश कोल्ड मीन्स ठंडी विंड मीन्स तेज तूफान आंधी इंसेक्ट पाइट से हमें बचाते हैं अगर हमने क्लोथ्स पहने होंगे तो हमें इंसेक्ट्स आके जल्दी से काट नहीं सकते डर्ट और डस्ट से भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्लोथ्स इस तरीके से हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सुरक्षा करते हैं किन चीजों से हीट से रेन से कोल्ड से विंड से इंसेक्ट बाइट से डस्ट और डर्ट से Clean clothes also make us look smart. Agar hum clean clothes pehnenge, to hum denge? We will look smart. We should wear clean clothes so that we can able to look smart. Now turn the page and come to the page number 124. Time to answer. Tick the correct statement and cross the wrong one. The first one is

तो इस तरीके से हम हेल्दी रख सकते हैं अपनी बॉडी को बाई पुटिंग क्लोथ्स ऑन अवर बॉडी सो येस क्लोथ्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी देन थर्ड स्टेटमेंट क्लोथ्स हेल्प अस टू कवर अवर बॉडी क्लोथ्स हमें हमारी बॉडी को कवर करने में हेल्प करते हैं इट इज ऑल्सो राइट सो वी हैव टू पुट टिक अगेंस्ट द स्टेटमेंट फोर्थ वन क्लोथ्स हेल्प अस टू स्टडी बेटर क्लोथ्स पहन के हम ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं ये तो रॉन्ग है ये पढ़ाई का क्या लेना देना क्लोथ्स से सो वी हैव टू पुट क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीज़न्स क्लोथ्स फॉर द समर सीजन वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर देखिए स्कूल समर सीजन में गर्मियों में हम लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं कि वो हमें हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं कूल रखते हैं डू यू नो वी वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल जब भी हम यूनिफॉर्म जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या वेयर करते हैं यूनिफॉर्म तो ऐसी कोई स्पेशल ड्रेस ऐसी कोई स्पेशल आउटफिट जो हम किसी पर्टिकुलर के लिए पहनते हैं उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं ईच स्कूल हैज ए डिफरेंट यूनिफॉर्म हर स्कूल का अपना एक अलग यूनिफॉर्म होता है क्लोथ्स फॉर द विंटर सीजन विंटर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं देखिए विंटर अप्रोचिंग विंटर्स आ रहे हैं ना तो विंटर सीजन में हम किस तरह के क्लोथ पहनते हैं वी वियर वुल्स इन विंटर हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं वुलन क्लोथ्स मीन्स क्या होते हैं ऊनी कपड़े पहनते हैं बिकॉज दे कीप व क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं क्लोथ्स फॉर द रेनी सीजन कौन से क्लोथ्स हम पहनते हैं रेनी सीजन में वी We वीयर रेन कोट एंड बूट्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फिंग होता है गम हम बूट्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमें गीले होने से बचाते हैं हम जल्दी से गीले नहीं हो पाते क्योंकि हमने तो ऊपर से रेनकोट वीयर किया है न गम बूट पहने फुट में सो so, इस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को बचा सकते हैं और हम गीले नहीं हो पाएंगे अगर हम ऐसे क्लोथ्स पहनेंगे तो सो वी यूज टू वीअर रेन कोट्स एंड गम बूट्स ड्यूरिंग रेनी वेदर रेनी सीजन वी ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला और हम रेनी टाइम रेनी सीजन में हम और क्या कैरी करते हैं अपने हाथ में क्या लेके चलते हैं अम्ब्रेला टाइम टू एंसर फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन वी वियर अ रेन कोट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन सेकेंड वी वी डैश क्लोथ्स इन विंटर हम विंटर में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वुलन थर्ड वन डैश क्लोथ्स कीप अस कूल इन समर हमें कौन से क्लोथ्स समर में कूल cool रखते हैं कॉटन देयर आर डिफरेंट क्लोथिंग फॉर एवरी सीजन अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े हम पहनते हैं हर सीजन के अपने अलग अलग क्लोथिंग होती है जैसे विंटर में हम क्या पहनते हैं वुलन क्लोथ समर में हम क्या पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स

बाय यूजिंग प्रॉपर क्लीन वाटर एंड डिटर्जेंट पाउडर एंड वी शुड कीप देम नीट एंड टाइडी और हमें अपने कपड़ों को साफ रखना चाहिए पॉइंट कपड़े हमेशा ही पहनो आप क्या होता है प्रेस कपड़े देन थर्ड पॉइंट कीप देम नीटली इन द कबर्ड और हमेशा अपने कपड़े आप कबर्ड कपड़ में प्रॉपरली फोल्ड करके प्रॉपर वे पे नीटली रखिए टर्न द पेज कम टू देज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स टाइम टू एंसर मैच द फॉलोइंग फर्स्ट वन वी शुड टेक गुड कहा मैच करना है इसको वी हैव टू मैच दिस विथ बी केयर ऑफ आवर क्लोथ्स वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर क्लोथ्स सेकेंड पॉइंट कीप योर क्लोथ्स नीट एंड टाइडी मैच करेंगे हम सेकेंड को सी वाले से वी शुड कीप कीप योर क्लोथ्स नीट एंड टाइडी लास्ट वन वीयर आयरन क्लोथ्स थर्ड वाले को हम किससे मैच करेंगे वी हैव टू मैच नंबर थ्री विथ ए आयरन क्लोथ्स की टर्म्स कॉटन क्लोथ्स

so this was your chapter hopefully you all have enjoyed a lot have a nice day